राम राम दोस्तों, गुड इवनिंग। कैंपिंग साइट तक जा ही रहा था, कैसे कैसे ऑफ रोडिंग करके जाना पड़ता है देखिए, खास करके सोलो के वक्त कुछ दिखाई नहीं पड़ता, बार बार उतरना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है गाड़ी में, इसलिए फिल्मिंग करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। बड़े बड़े पत्थर देखिए, इस रूट में पहली बार मैं गाड़ी लेकर आया, कभी सोचा नहीं था। ये एक बड़ा सा पत्थर देखिए, काफ़ी ऊंचाई वाला, मुझे इसी का डर था शायद ये नीचे से ना लग जाए। बहुत मुश्किल से धीरे 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 करके इसके ऊपर से उतारा मैंने गाड़ी। अभी और भी आगे तक जाऊंगा, पहले बहुत दूर इस रूट से चल के जाया करता था। आज अचानक से यहाँ पर प्लानिंग इसीलिए बनाया मैंने क्योंकि आसमान देखिए बादलों से घिरा हुआ है, मतलब कभी भी बारिश आ सकती है, गुड़ 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 कर रही है। और बता दूँ, कल भी यहाँ पर बारिश हुई थी हमारे शहर में, लेकिन अचानक से बारिश बिना प्रेडिक्शन के, इसलिए मैं प्रिपेयर नहीं था, लेकिन आज प्रिपेयर होके आया हूँ, आज भी प्रेडिक्शन है। अभी कभी कभी बैड लक हो जाता है, जब कैंपिंग में आता हूँ तभी ही बारिश गायब, लेकिन होप करता हूँ अच्छे वीडियोस मिलेंगे। देखिए काफ़ी बादल हैं ऊपर, आवाज़ कर रहे हैं, समर के मौसम के बारिश खतरनाक होते हैं बिजली वाले। प्रिपेयर होके देखेंगे, गाड़ी वाड़ी लेके, गाड़ी है तो सेफ्टी है ना, बिजली आएगी तो गाड़ी में घुस जाऊंगा। फाइनली लोकेशन पर पहुंच गए, बहुत सारे ऑफरोडिंग करने के बाद व्यूज तो कमाल के हैं, लेकिन थोड़ा अभी शाम हो चुकी है ना, अंधेरा हो चुका है, थोड़ा थोड़ा लाइटिंग कम हो गई है, थोड़ा चलेगा, वर्थ है इतने दूर आके, इतने मुश्किल से उबड़ खाबड़ रास्ते चढ़ा के। व्यूज देखिए यार, अमेजिंग। आज पूरा पानी के पास गाड़ी आ गया, और भी आगे ले सकता था मैं, लेकिन थोड़ा स्ट्रेसी होगा, कीचड़ हो गए वहाँ पर तो फंसने के चांसेस है। अभी अभी पानी सूखा है ना समर के वजह से, नहीं तो पानी तो वहाँ तक बहुत दूर तक जाता है, बारिश के टाइम में, विंटर के टाइम में बहुत पानी होता है। अभी समर के वजह से सूख सूख के धीरे धीरे जा रहा है ये डे बाई डे, तो अभी वहाँ पर बहुत स्लसी और कीचड़ होगा, इसलिए मैं नहीं जा रहा उधर। पानी वानी ज़रूरत पड़ेगा तो थोड़ा दूर जाके जहाँ पे पत्थर वत्थर होंगे वहाँ से ही निकाल के लाना पड़ेगा, सीधा ऐसे जाऊँगा तो फिसलने के चांसेस है पूरा। यहाँ पे तो अभी भीगे हैं, पूरा कीचड़ है ये एरिया सब, जोर से थोड़ा ऐसे कुचलेंगे तो पानी निकलते हैं अंदर से। चलिए टेंट वगैरह सेटअप करते हैं जल्दी से, अंधेरा हो जाएगा और भी, नहीं तो नया वाला टेंट लाया हूँ क्योंकि बारिश का प्रेडिक्शन था ना, इसीलिए तेज हवाएं चल रही है अभी भी, किसी भी वक्त बारिश कूट सकती है, नहीं तो मुझे लगता है रात को भी आ सकती है। आज पूरा इंतजार करूंगा, आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जोर जोर से बिजली कड़कने लगी है,
दोस्तों देख रहे हैं पीछे काफी बिजली कड़क रही है अभी अभी, थोड़ा थोड़ा डर तो लग रहा है। बड़े बड़े बिजलियां देखिए अभी भी, बीच बीच में एक दो लाइन्स क्रिएट हो जाते हैं जब शूटिंग नहीं कर रहा होता हूँ, कुछ ऐसे मिस हो गए मुझसे, बड़े बड़े लाइटनिंग्स क्रिएट हो गए थे। देखिए अभी एक दिखा के नहीं, पता नहीं कैमरा में भाई वो कोने में ज़्यादा लाइटनिंग आ रहे हैं, और अगर ज़्यादा लाइटनिंग्स होंगे तो गाड़ी के अंदर घुस जाऊँगा। मैंने सुना था गाड़ी के अंदर थोड़ा और भी सेफ है लाइटनिंग से। देखिए कितना बड़ा बिजली अभी। तो दोस्तों आज फाइनली जो पिछली वीडियो में कहा था ना मैंने, बाप रे, कोकोली ड्राई फिश लाऊंगा वो लाया हूँ आज, वही बनाएंगे। क्योंकि इसका थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, पहले ना पानी में इसको भिगो के रखना पड़ता है क्योंकि मिट्टी विट्टी होंगे इसके अंदर ना, करीबन एक दो घंटा ऐसे भिगो के रख देना है, उसके बाद बाकी का काम धीरे धीरे खत्म करेंगे, आखिर में इसको बनाएंगे। देखिए दोस्तों ड्राई फिशेस, ये कोकोली बोलते हैं हमारे यहाँ पर, आपके यहाँ क्या बोलते हैं देखिए बताइएगा कमेंट्स में। इनके मुंडिया भी निकालना पड़ेगा लेकिन पहले इनको भिगोना पड़ेगा। क्योंकि इसके अंदर मिट्टियाँ होंगे काफ़ी सारे, इसलिए इतना हो जाएगा लगता है। बहुत ज़ोरदार बिजली हो रही है बाहर, और डर के मारे वो कोकोली वाला ड्राई फिश जो है उसको तो भिगाया था। इधर सीरियस कंडीशन है, कॉमेडी भी लग जा रहा है मुझे। उसको बाहर छोड़ छाड़ के दुम दबा के भागा मैं, गाड़ी के अंदर घुस गया हूँ अभी, दरवाज़ा चारों तरफ से लॉक कर दिया है, अंदर बैठा रहा हूँ अभी। जैसे मैंने आपको पहले कहा था, मैंने सुना था गाड़ी के अंदर थोड़ा सेफ होता है बिजलियों में, इंतज़ार करूंगा ये बिजलियों के कम होने की, उसके बाद ही बाहर निकलूंगा या फिर टेंट के अंदर जाऊंगा, कुछ करूंगा। लेकिन भाई भगवान का लाख लाख शुक्र है गाड़ी आ गई अपने पास। ये गाड़ी के साथ कैंपिंग करने में यही बेनिफिट है, खास करके बारिश के मौसम में, बारिश भी कैप्चर हो जाएगी, अपनी सेफ्टी भी बनी रहेगी। देखिए टपर टपर आवाज़ आ रही है ना, बारिश भी थोड़ी थोड़ी होने लगी है, अभी स्टार्ट हो रही है धीरे धीरे। देखिए छत के ऊपर गिर रही है, सुनिए बिजली भी, देखिए अभी भी बाहर। अभी फिलहाल गाड़ी की लाइट से ही मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, और कोई लाइट नहीं लाया बाहर। हाँ एक्शन कैमरा छोड़ दिया है रिकॉर्ड मोड पे, वो रिकॉर्ड होता रहेगा, जितने भी बड़े बड़े बिजलियाँ क्रिएट होते रहेंगे वो आपको दिखाने में काम आएगा, एडवेंचरस फील होगा ना थोड़ा। बाकी एक वाटरप्रूफ लाइट भी लाया था मैं, इस साल ही ख़रीदा था, आज उसको यहाँ पे लाना भूल गया मैं, अंदाजा नहीं था इतनी जोर मतलब बारिश बारिश होगी। मैंने सोचा हाँ बादल हुए थोड़ा, दो तीन मिनट ऐसे बारिश होके रुक जाएगी ये बारिश, अनएक्सपेक्टेड था ना। बाकी क्या होता है आगे आगे अपडेट देता हूँ आपको, ये लाइट भी बंद कर दूंगा नहीं तो गाड़ी की बैटरी भी ख़त्म हो जाएगी ना। देखिए दोस्तों बाहर बारिश अभी भी है, देखिए लाइटनिंग जोरदार, इसी वजह से ही मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ अभी भी, गाड़ी के अंदर से ही आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बारिश। देखिए दोस्तों अभी भी बिजली बारिश चालू है थोड़ा थोड़ा, टेंट के ऊपर भी बारिश,
बिजलियाँ। बहुत इंतज़ार करने के बाद टेंट के अंदर मैं चला आया, और कितना इंतज़ार करता बोलिए, काम भी तो आगे बढ़ाना है। अभी वो तो दिखता रहा है, चावल बनाना है, बाकी जो डिनर के लिए आइटम वाइटम पकाएंगे, प्याज व्याज काटना कूटना वो सब कर दूंगा, क्योंकि अभी 8 के ऊपर हो गए हैं इंतज़ार करते करते ये बिजली के ख़त्म होने के, लेकिन ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, और होगा भी नहीं अभी मुझे लगता है जितना। आपको थोड़ा बाहर की हालत भी दिखाता हूँ, क्या है अभी देखिए, चल रही है बारिश, बिजली अभी भी देखिए कड़क रही है इधर से भी इधर से भी दोनों तरफ से। अभी मैं खाना पकाने की सोच रहा था, मैं सोच रहा हूँ राइस तो पकाना है, चावल अंदर ही पका लूँगा, बाहर तो नहीं पका सकते, हवा तेज़ है, बारिश भी है, सेटअप करते हैं। मैं सोच रहा हूँ अंदर ही बैठ के राइस पका लूँगा, कम से कम ये बन जाए, और सेफ्टी के तौर पे सबसे पहले जब अंदर खाना पकाना होगा ना, जब भी खाना पकाएंगे तो ध्यान रखिएगा दरवाज़ा खुला होना चाहिए, वेंटिलेशन अच्छी तरह से होना चाहिए, हवा आते रहना चाहिए, इसीलिए मैंने ये सामने का खोल दिया है। अभी अच्छी तरह से हवा चल रही है अंदर, वेंटिलेशन काफ़ी है, अभी मैं अंदर खाना पका सकता हूँ सेफली। कड़कने की आवाज, अब मैं क्या सोच रहा हूँ, जब तक वो राइस बनता है थोड़ी देर तक तो मैं लेट ही जाता हूँ, रेस्ट कर लूँगा, थोड़ा रिलैक्स होंगे ना, क्योंकि वाइड एंगल कर देता हूँ तब दिखेगा।
करते करते थक जाता हूँ ना, तो ऐसा मौका नहीं मिलता है रिलैक्सिंग करने के लिए। आज ना मौका मिला है रिलैक्सिंग करेंगे बारिश के टपर टपर आवाज़ से, बहुत मिस किया। लास्ट मैंने बारिश की कैंपिंग कब की थी, करीब 6 महीने पहले। 6 महीने से मैं वेट कर रहा था इस बारिश की। हाय क्या रिलैक्सिंग आवाज़ सुनी। हालांकि ज़ोरदार बारिश तो नहीं है, बिजली ही ज़्यादा है, वो भी एक अलग तरह की रिलैक्सिंग आवाज़ है। होप करता हूँ आप भी रिलैक्सिंग हो रहे होंगे ये सब सुन के। अभी और भी जोर जोर से बारिश होने लगी है, साउंड आ रही है देखो बाहर से। देखा बिजली, कंडीशन देखिए क्या है बाहर। जोरदार बिजली बारिश, अभी भी चल रही है जोरदार बिजली बारिश सब। बाकी मैं खाना वाना पका लूँगा, राइस तो होके तैयार है। इधर देखिए तो जो मैं पिछली वीडियो में बोल रहा था ना, उड़ीसा स्पेशल ऑथेंटिक कुछ बनाऊंगा, तो पखाल जानते हैं आप लोग, उड़ीसा का फेमस है, वही बनाऊंगा आज मैं। वो दही के साथ होता है, कर्ड लाया हूँ, कैसे तरीके से होता है अपने तरीके से थोड़ा ऐड करके बनाऊंगा। एग्जैक्ट तो बनाना मुश्किल है, खास करके कैंपिंग में सारा सामान अवेलेबल नहीं होता ना, इसीलिए कोशिश करूँगा। बाकी ये भी मुंडी निकाल दिया है और धो के रख दिया है इसको, कोकोली जो बोलते हैं ड्राई फिश, इसको भी बनाएंगे। धनिया पत्ता भी लाया हूँ। ये दही पखाल करने के लिए राइस को थोड़ा ओवर कुक होना चाहिए, ओवर कुक करने से ही वो अच्छा होता है। ऐसे रात के टाइम तो दही नहीं खाते, कर्ड वगैरह, लेकिन अपने यहाँ चल जाएगा आज, क्योंकि गर्मी बहुत है ना, समर का टाइम चल रहा है इसलिए चल जाएगा। अमूमन नहीं खाते, तो देखा दोस्तों कैसे बिजली गिर रहे थे, अभी सब कुछ बंद, एकदम शांत हो गया सब कुछ। देखिए सन्नाटा, बारिश, बिजली, सब कुछ बंद, और इतनी ज़ोर से धड़ाम करके बिजली गिरी, आपने देखा ना। वो एक्शन कैमरा मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करके छोड़ दिया था वहाँ पर बाहर, और अंदर काम करता रहा। मैं अमूमन ऐसे ही करता हूँ, बाहर छोड़ दिया करता हूँ, एक एक एंगल बीच बीच में चेंज कर देता हूँ और अंदर काम करते रहता हूँ, वो रिकॉर्डिंग चलता रहता है। तो इतने ज़ोर से फटा वो
मेरा डर के मारे मैं ही फट गया, इसलिए तुम दबा के फिर से भागा गाड़ी के अंदर, इसको जीपीएस सब लॉक कर दिया टेंट का, भाग गया था। अभी फिर से 10 बज गए हैं ऑलरेडी, फिर से आया हूँ। अभी काम आगे बढ़ा सकते हैं, सब कुछ बंद हो गया, तसल्ली से काम कर सकते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था उस टाइम, जो दही का पखाल होता है जो उड़ीसा का स्पेशल, उसके लिए कुछ तेल गरम है, सबसे पहले ये डालेंगे पंचफुटन। क्या खुशबू है, सॉलिड करी लीव्स देखिए, हालांकि थोड़े थोड़े सूख गए हैं घर से लाते लाते। लाल मिर्च ये भी थोड़े थोड़े अजीबोगरीब है, चलो कोई बात नहीं। हाय हाय हाय, क्या खुशबू, और ऐसे फट रहे हैं क्या बताऊं दोस्तों। अभी इसको जो हमने भुना, इसको डायरेक्ट ऐसे डाल देंगे ऊपर। तो और भी कई कई प्रोसेस होते हैं, अभी ये जो ऊपर गया ना, अभी इसको खा के देखिएगा इतना कमाल का टेस्ट और खुशबू, तो अभी से बहुत ही बढ़िया। धनिया पत्ते थोड़े थोड़े भी डाल देंगे, इससे भी और भी टेस्ट अच्छा आएगा, खुशबू भी बढ़िया आएगा। ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े प्याज ऐसे 2-3 डाल लेंगे, कच्चे प्याज। अभी नेक्स्ट प्रोसेस के लिए दोस्तों प्याज और मिर्ची फ्राई कर लूँगा। देखिए दोस्तों प्याज भी बढ़िया फ्राई हो गया, अब इतना ही फ्राई होना चाहिए जैसे मैंने सुना था इस ड्राई फिश के लिए। अभी सही टाइम है, डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इसी के साथ ही डाल दूंगा ये भी, थोड़ा पिछले बार से बताया था ना, अपने तरीके से बना रहा हूँ, थोड़ा ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पत्ते। देखिए ये तो फ्राई हो गया, अब ये देखिए अपना कोकोली रेडी है। अब इसके ऊपर स्पाइसेस डालेंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अच्छी तरह से भुनेंगे, देखिए मस्त ग्रेवी बन गया है। उतारने वाले हैं, उससे पहले और थोड़ा धनिया पत्ते डाल देंगे ऊपर से। तो सब कुछ हो गया दोस्तों रेडी, आखिर में थोड़ा सजा देंगे तड़का लगने जैसा नींबू। कैसा है लुक देख के बताइएगा जरूर कमेंट में। चलिए स्टार्ट करते हैं खाना, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है क्योंकि बज रहे हैं अभी 11। थोड़ा नींबू निचोड़ देंगे ऐसे, हाय हाय, दही नींबू, और ये जो मैंने भुना थोड़ा सा, चख के बता रहा हूँ, रुकिए। मजा आ गया, और भी तरीके से बनाते होंगे ये जो पखाल, लेकिन मैंने भी जो ये बनाया बढ़िया टेस्ट आ रहा है। अभी करी चक्के बताता हूँ,
परफेक्ट, नमक वगैरह भी एकदम परफेक्ट, टेस्ट बढ़िया। और ये देखिए दोस्तों कौन आ गया है स्वागत करने के लिए। तो दोस्तों आखिरकार धोना वोना खाना पीना सब कुछ हो गया, मस्त खाना था, पेट भर गया मेरा, बढ़िया स्वाद भी था। अभी नींद बहुत आ रही है क्योंकि ये बिजलियों के वजह से इंतज़ार करते करते जो मैंने खाना पकाया गाड़ी में इतने देर बिताया उससे बहुत नींद आ रही है, बहुत काम पड़ गया मुझे आज। अभी देखिए टेंट चारों तरफ से सील है, बंद कर दिया है, सिक्योर हूँ अच्छे से मैं। बाकी जो बैग वैग है ना मैंने ऑलरेडी गाड़ी में पैक कर दिया है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उठ के जल्दी से निकलना है, इसीलिए और कुछ तो काम नहीं। वैसे सिर्फ बेडशीट है मेरा यहाँ पर ओढ़ने के लिए, तकिया तो है ही, पानी का बोतल है, अभी मैं पंखा जला लूँगा। तेज़ी से हवा आता रहेगा, थोड़ा बेड लाइट की जैसा दिखेगा, ये हल्के हल्के जल रहे देखिए, अच्छा है, ठीक है। वैसे अमूमन तो मैं सुबह नहीं दिखाता क्योंकि मॉर्निंग से ना एक्चुअली व्यूज़ ड्रॉप हो जाते हैं, इसीलिए वीडियो का परफॉर्मेंस ख़राब हो जाता है। लेकिन अब प्रूफ के लिए मांग रहे हैं ना, इसलिए ज़रा सा क्लिप बस जाते हुए जा रहा हूँ, बाय बाय करके चला जाऊँगा, ठीक है। तो मैं सो रहा हूँ, सुबह मिलता हूँ आपसे, आपके लिए 2 सेकंड या फिर 1 सेकंड, मेरे लिए 5-6 घंटे सोना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ सुबह, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है, चलिए थोड़ा सा बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ आपको, क्या हाल है। रात की बारिश के बाद सब कुछ शांत, चलिए बिना देरी किए निकलते हैं। अब पैक वैक करता हूँ मैं टेंट सब अभी फिलहाल, फिर चलते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा वीडियो को। और तो खूब करता हूँ, आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, कमेंट्स में अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही था, चलता हूँ मैं, बहुत जल्द मिलूँगा आपके साथ एक और नई कैंपिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम दोस्तों।